वेलकम टू वी आर फैमिली। उठने में हो गया है लेट, क्योंकि रात को लेट सोए थे। वंशिका उठ चुकी है और वंशदेव को अभी तक सो ही रहा है, और ये भी तो जल्दी उठ जाते हैं, नहा लिए हैं। मैं तो नहा लिया हूं, मैं पहले उठने वाला हूं। हाँ, सबसे पहले उठने वाले हो तो जल्दी उठ गए हैं। और मैं लेट सो चाहे कुछ भी सो, उठेंगे पहले टाइम से। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ चाय। और वंश बेटा उठ जा। नाश्ते में क्या बना रही है? नाश्ते में मक्खन ब्रेड है, मक्खन ब्रेड है, मक्खन ब्रेड खा लेंगे ना। और मैं अभी बना रही हूँ उनके लिए चाय, क्योंकि अभी सब चाय पियेंगे फिर, क्योंकि भाई सुबह सुबह उठते ही चाय तो चाहिए चाहिए। चाय का पानी अभी उबल रहा है और मैं करूँगी अभी ब्रश, ब्रश करके मिलती हूँ मैं आपसे। सिलेंडर पूछा था, वो देखा है मैंने गूगल पे, तो वो दिखा रहा है नोएडा में, आज ओपन है। नोएडा में? नोएडा में, नोएडा तो बहुत दूर है। तो वही तो, बाकी इधर तो सारे क्लोज है। नोएडा में, नोएडा में कुछ काम है कल आपको? आज संडे, आज जा सकते हैं। 63 या 44 सेक्टर है। हाँ, तो फिर रोहिणी कल खुला है? कल खुला है। तो चलो गाइस, हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, रियलमी के कराना है। और वंशिका देखो यहाँ पे चदरे कंबल है, त्याग कर रही है। रात को इतनी ठंड लगती है कि ये मोटे मोटे कंबल निकालने पड़ते हैं। एसी में भी सोना है और कंबल भी ओढ़ना है। एसी के बिना फिर गर्मी लगती है ना पंखे में। ये भी तो बात है, एसी के बिना कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। चलो अब मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मक्खन है, मक्खन ब्रेड लगा रही हूँ। और देखो ये केक पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा केक ऐसे पड़ा हुआ है, खाया नहीं था कल, पेट ही इतना भर गया था, केक ही नहीं खा पाए। आज वाला केक काट लेना, तो पार्टी तो दे दो। घुमाने को लेके भी नहीं गए, घुमाने वुमाने, फैमिली फैमिली टाइम। दीदी को पार्टी नहीं दी है दीदी। चलो गाइस, मैं लाती हूँ इनके लिए मक्खन ब्रेड, और चाय का टाइम तो हो ही गया है। बन चुके हो खातरा बाबू, चल अंदर चल। सबके लिए मक्खन ब्रेड ले आऊँ ना? ओके। ये ले मक्खन ब्रेड, लग गया है। तो भाई चाय पीते हैं, आओ भाई नीचे पी लो भाई चाय, जल्दी आओ। गाइस अब हो गया हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, मक्खन ब्रेड नमकीन। चलो भाई करते हैं। ओ चाय गिरती है अभी ये वाली। और बस आज का क्या प्रोग्राम? आज का काम, नाना दोना सो जाना। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? ये लो। ये तो बड़ा अच्छा शॉट है, मेरे पास मत आ। ओहो थ्रो बॉल की कैप्टन रह चुकी हूं मैं। कौन सी कैप्टन? और क्या, कौन सी कैप्टन है भाई? मैं तो क्या बात गंदा करो, क्या बात की पक्के फेंकने की कैप्टन है? थ्रो बॉल। अच्छा थ्रो बॉल। हां, तुम खड़े तो हो जाओ। खड़े ही नहा लिए, धो लिए, लेट गए भाई। ऐसा नहीं चलेगा, नहा धोने के बाद कोई लेटने के नहीं है, लेटते नहीं है नहा धो के। हाँ तो फिर चलो ऑफिस में। आज क्या करूँगी ऑफिस में? काम पेंडिंग है। काम पेंडिंग है? हाँ भैया सही है, पेंडिंग काम तो संडे को ही होता है। तो चलना है फिर, शाम को चलेंगे कहीं आउटिंग पे। कहाँ चले, अभी कोरोना काल में सब बंद पड़ा हुआ है। तो आपने कहा था कल लेके जाऊंगा शाम को। जाओ, सब तो बंद मिलता है। घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अच्छा तो लॉन्ग ड्राइव पे भी नहीं? इंडिया गेट खुला होगा? पता नहीं, इंडिया गेट का शायद खुला है। इंडिया गेट का तो, इंडिया गेट बंद होता है, वो तो यूं ही खुला रहता है। बस गार्डन गार्डन में क्या घूमे, एंट्री बंद नहीं कर देते? हाँ हाँ हाँ, देखते हैं। आई थिंक खुला होगा। लॉन्ग ड्राइव टू इंडिया गेट, ओ तेरे की गार्डन गार्डन। भाई ये तुम दोनों कौन से ये फाइट कर रहे हो, ये कौन सी फाइट है? ये है ये कौन से देश से आते हैं पता नहीं भाई? ये तक क्या मेरा तो साथ तक क्या ये मेरा ये करेंगे अंजिका यार। ये देखो ये भगवान भाई, ये लाते भी क्यों उठा रहे, ये लाते क्यों उठ रही है? ये डर है खौफ। ये खौफ है। ओ लात नहीं भाई, लात नहीं, कैच करो। घंटा घर हमारा 10 बज गए, और नहीं नहीं घंटा घर भी यहीं पे है। हाँ, घंटा घर में घड़ी दिखाते हैं, दूसरा फोन नहीं है।
तो हम घड़ी दिखाते हैं बड़ा वाला घंटा घर दिखाते हैं। सीट जाम साली ऐसे आती सीट के बिगड़ साली बड़ी दिक्कत होती है ना एकदम, कि आगे ना पीछे के पीछे सीट रह गई और आगे ना हो पा रही, पीछे सामान वामान रखते हैं ना उनमें भी रखने की दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। तो फाइनली गाइस सीट सारी ख़राब हो गई थी, तो ये सीट खुली है पूरी क्योंकि वो आगे मूवमेंट नहीं हो रही थी उसमें, तो इसलिए हमने सोचा इसको आज संडे आज सही करा लेते हैं। झाड़ लेना ये पेच रख ले बेटा, ये झाड़ते भाड़ दिए नट दी, ये भी झाड़ ले बाहर। मैं सोचा गाड़ी का छोटा सा काम है जो करा नहीं पा रहा था मैं बहुत दिन से, तो मैं आज करा लेता हूँ संडे। इसका भी एक गिफ्ट होता है। अच्छा अच्छा, असल में गाड़ी में सामान रख के ले आता ना हम, तो वो गाड़ी सीट पीछे थी तो वो सामान रखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फाइनली सीट अपनी रोलिंग हो रही है आगे पीछे, लोग टूट भी जाता होगा ना, लोग भी टूट जाता होगा कई बार, लोग सही था यानी कि वो निकल ही गया था बस फ्री हो गया था। इतनी दिक्कत हो रही थी सामान साला पूरा पीछे की तरफ आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि हमारा पूरे काम है ना, तो सामान वगैरह ले आते रात को गाड़ी में। कोई नहीं सीख जाएंगे अभी चेले हैं तुम्हारे नहीं नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं, तो जैसे हल्का सा जैसे ये गाड़ी पे आगे पीछे हो रहे हैं पूरा ही होगा क्या, ये तो टचिंग हो सकती है इसमें, टचिंग करा दो कोई फायदा है नहीं कि पूरे पर डेंट पड़ा हुआ है आपके। अच्छा तो कितने पैसे लग जाएंगे पूरी गाड़ी का? 15,000 है। 15,000? यार मैंने जखीरा पे वहाँ पे कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि गाड़ी 3500 रुपये पता नहीं कितने उतार था, कह रहा पूरा एकदम टचिंग वचिंग बिल्कुल एक भी निशान नहीं दिखेगा तुम्हारे पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जखीरा नहीं है वो जखीरे के नीचे जो करता है वहाँ पे 3500 में हाँ टचिंग वचिंग करके निशान दिखेगा नहीं? हाँ कह रहा एक भी निशान नहीं हो ही नहीं सकता। और एक गाड़ी ने, एक गाड़ी तो दिखेगा, एक गाड़ी उसने तैयार भी करी थी कह रहा है देखिए अब ये चीज़ जो है इसमें टचिंग करेगा तो ये निशान दिखेगा ही। जी 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 ये जो है इसको टचिंग करेगा यानी एक तो इसको इसको चलो इस पर हो जाएगा, जैसे ये गेट है ये तो बिल्कुल साफ है, अब ये तो ये गेट है अगर टचिंग करवाइएगा तो इसमें तो ये निकल नहीं सकता है। अच्छा ये इसके लिए सूखा डेंटिंग करवाना पड़ेगा, ये पूरा सूखा डेंट निकालेगा, इसको निकालेगा इसको निकालेगा ये उसके बाद जो कलम टचिंग होगा वो कलम टचिंग करेगा, ये सब कुछ निकालने के लिए रनिंग पॉलिश करवाना पड़ेगा। रनिंग पॉलिश से फ़र्क नहीं पड़ता कुछ नहीं, जो ये तो निकाल है ना हल्का फुल्का जो जब जाने वाला होता है वो चलाया था संडे था, तो संडे को मैं सोचा कि गाड़ी में थोड़ी सी कमी थी तो वो पूरी कर ली जाए, सीट आगे पीछे देख ले चेक कर ले अब सही है। हाँ सीट ना मूव नहीं हो रही थी थोड़ी सी आगे पीछे ना बड़ी दिक्कत हो रही थी, जैसे बहुत पीछे हो रही थी एकदम बैक हो गई थी आगे नहीं हो पा रही थी, गैप बहुत ज़्यादा था सामान रखने में दिक्कत होती थी, और फिर जो आगे बंदा बैठता था ना उसको एसी की हवा बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती थी, वो बहुत पीछे हो रखी थी सीट बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता था वो। तो फाइनली आज वो संडे था मैं ये काम करवा लिया, यार बड़ी दिक्कत होती है कहीं हो सकता है कहीं घूमने घामने जाए परेशानी होती है फिर। वंश वो बाबा बताते थे ना हमारा मकान था कन्हैया नगर में जो हमारे बाबा ने लिया था किसी टाइम में, वो मकान बताओ कौन सा है? कौन सा है? ये वाला, ये कोट, ये लाल दरवाजा। हाँ ये लाल वाला। हाँ ये मकान गली में है। इतना पुराना मकान है? नहीं पुराना नहीं है, तो जिसने लिया होगा उन्हें अपने रेनोवेट करा लिया होगा। पेट्रोल वगैरह भरवाने? पेट्रोल की लाइट भी जल रही है। पेट्रोल भरवा लेते हैं यार, तो मुझे दिक्कत होती है संडे को जैसे कहीं और। अरे मुझे गाड़ी कब सिखाओगे? गाड़ी चल देखते हैं बारह ग्राउंड लारन छोड़ चलते हैं जबकि तरफ वहाँ थोड़ा खुला एरिया है ना, तो वहाँ भरवा के वहीं पर। आपको क्या लगता है मुश्किल है या फिर आसान है? नहीं आसान है, गाड़ी में क्या है बस सीखने में डर नहीं होना चाहिए सीख। जैसे बाइक में मैंने कमाल की बात यह है कि मैंने किसी से गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं, सिर्फ ये कि ये क्या है ये क्या है ब्रेक क्या है ये गियर कैसे लगते हैं वो देख देख के, और एक दिन खुद ही ट्राई करी और एक्सपर्ट है। मैंने बाइक किसी से नहीं सीखी,
बाइक रोड के बीच में ऐसे लगा रखे हैं स्कूटर, पूरा जाम लग जाता है एकदम से, थोड़ा साइड में लगाना चाहिए। पूरी दिल्ली में ही है क्योंकि पार्किंग की स्पेस कम है, फ्लैट सिस्टम हो गया, एक एक मकान में पांच पांच फैमिलियां हैं, चार चार गाड़ियां, तीन तीन आठ आठ दस स्कूटर, दुकानें भी इतनी आगे कर रखी है इन्होंने। आगे नहीं बेटा, वो पार्किंग की वजह से ज़्यादा दिक्कत है उसके बाद। अलाइनमेंट कराने के लिए गाड़ी एक तरफ भग रही थी, तो संडे ही मिलता है, संडे को कह के करा ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। टेस्ट कर रहे हैं गाड़ी की, तो अलाइनमेंट करा लेते हैं, संडे ही मिलता है गाड़ी का अलाइनमेंट कराने के लिए। जस्ट टायर पे भी लगा कंप्यूटर से ना एक चल रहा था बिल्कुल, एक पहले वैसे हाथ से करते थे। घर पहुंचते हैं, घर जाके फिर बाइक वगैरह का भी देखना है, बाइक भी नहीं, थोड़ी एक बाइक तो बहुत दिन से ख़राब है, वो मैकेनिक के चक्कर में मैं रुका पड़ा था, मगर मैं सोच रहा हूँ कि यार सही करा ही लूँ इसको, क्योंकि मैकेनिक वगैरह जो थे ना लॉकडाउन में चले गए, तो मैं उस चक्कर में इंतजार कर रहा था, वो कहता था मैं आ जाऊँगा करा जाऊँगा, वो मैं कह रहा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखते हैं कुछ ना कुछ। एक दूसरी बाइक में थोड़ी सी कमी थी, वो थोड़ा कहीं करा देते हैं, एक बाइक तो फिर उसी से ही कराऊंगा, क्योंकि क्या ना मैकेनिक गलत मैकेनिक पे चले जाओ ना तो वो उल्टा सीधा बिल बना देता है, टेढ़ा मेढ़ा कि ये कर लो वो कर लो, इतना बहुत तगड़ा बिल बना देगा। जहाँ पे आप प्रॉपर एक जगह से कराते हो ना, तो उसके क्या है ना कि उसे मालूम है तो वो तुम्हें काटेगा नहीं। आप लोग भी जैसे कहीं पर जैसे प्रॉपर एक मैकेनिक से काम कराते हैं, तो आपका मन जो है ना वो वहीं पर ठुकता है, और मैकेनिक को ही मालूम है बंदे का टेस्ट क्या है, किस तरीके से उसको सही करानी, किस तरीके से, तो शर्म भी करता है। प्रॉपर एक जगह कराओ तो वो बंदा शर्म भी करता है, और अगर नए मैकेनिक पे जाओ तो वो एक बार में ही काट देगा पूरा का पूरा। चॉकलेट ये कहाँ से लाया भाई? पापा को गिफ्ट मिला है। गिफ्ट पापा को गिफ्ट मिला है, किसने दिया? अंकल ने दिया, अंकल ने। भाई बहुत बड़ी चॉकलेट है ये तो, जंबो जंबो चॉकलेट है ये, जंबो जंबो चॉकलेट। वही पापा का गिफ्ट हम खा लेंगे। अनबॉक्सिंग होने जा रही है। ओ ये लो, मैं खा ले जा रहा हूँ, तो ऐसे पूरे नहीं छोटी करेंगे, थोड़ी सी तोड़ के खाएंगे। तो गाइज सबको हैप्पी फादर्स डे, सब पापाओं को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। ऑल द फादर्स आउट देयर हैप्पी फादर्स डे। आ गया था और गाड़ी वगैरह सब कुछ सही करा लिया, अभी भी घर पहुँचे हैं। हालत देखो कैसी हो गई, नहा लिया था सुबह तब भी हालत इतनी ख़राब हो गई है। वंश भी आ गया, तो अब हम खाना खाते हैं, खाना आ गया, लंच करते हैं। और संडे अब 2 बज गए, पता भी नहीं चला इतनी जल्दी कि हालांकि 2 कैसे बज जाते हैं, समझ में नहीं आता कितनी जल्दी बज जाते हैं 2। टाइम नहीं रुकता संडे को, संडे तो बड़े भगे आ रहा है। कोई नहीं, एक काम और था, कपड़ा वड़ा बेचना था, वो भी सब कर दिया फिनिश, और अपना आ गए। हाँ भाई नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है। देखो तू इतना लेट उठा, तभी तो नींद आ रही है। लेट उठा और क्या, कितने बजे उठा मैं? यहाँ तू तो मुझसे लेट उठा था, 8 बजे उठा था। 8 बजे उठने के बाद तो नींद आई, मैं 6 बजे उठ गया था। कोई नहीं, चल लंच कर ले, फिर मिलते हैं आपसे। फिर चाय पीने का टाइम है क्या? चाय पी के देखो ना टेस्ट कैसा है। अबे आग खुल गई है, मैंने बनाई है। क्या क्या इसमें दीदी ने मसाले डाले मैंने यार, ये चाय हरी मिर्च लाल मिर्च मैंने इसमें डाला है, चाय पत्ती, लौंग, अदरक, काली मिर्च, ये सब्जी बना लेते, थोड़ा नमक वमक और आलू डाल के सब्जी बन जाती। अच्छा मेरी है क्या? मैं तो खैर मन नहीं था, खुद ही बोला था मेरे को वंशिका चाय बना दे।
चलो बन गई है तो पी लेते हैं। न्यूज़ वन शॉट एडिटिंग कर ले बेटा, लीड ले ले, फोन तो फोन ले ले। अच्छा मेरे पास ही है। तो गाइस अभी क्या हुआ, अभी हम बाहर खड़े हुए थे तो पुलिस वाले आए थे, तो सबको दुकानदारों को जिन्होंने 8 बजे के बाद भी दुकान खोल रखी थी उनको सख्त वार्निंग दे के गए हैं कि भाई समझ जाओ, यानी इस टाइम 9:30 बज रहे हैं। मगर कुछ लोग जो होते हैं ना जो वो बंद नहीं करते दुकानें, लगा के रखते हैं, तो उनको सख्त हिदायत दे के गया है पुलिस वाला कि भाई बेइज्जती करा के मानोगे या कैसे मानोगे, अगर कल अगर 8 बजे तुमने अपनी दुकान नहीं बढ़ाई ना तो कल आपका सामान उठा के ले जाऊंगा मैं, फिर कोई किंतु या परंतु नहीं होगा। कुछ लोगों को क्या है ना कि यानी दुकान बंद थी 1 महीने से 1.5 महीने से, तब इनको तसल्ली थी, गवर्नमेंट ने अगर इसको इजाज़त दे दी है, चलो भाई सब बंदे परेशान हैं कि 8 बजे तक की इजाज़त दे देते हैं, तो 8 बजे तक की भी यानी इनको वो तसल्ली नहीं हो रही। जितनी परमिशन जैसे देती है ना गवर्नमेंट, वो लोग उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए कि अपना गवर्नमेंट का थोड़ा साथ दें और अपना टाइम से दुकान बढ़ाएं, भीड़ ना लगाएं। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि ओनली पैकिंग, मगर ये लोग क्या करते हैं कि अपने दोनों पतलों में अपना सर्व करते हैं, यानी लोग सब यहीं पे बाइक पे खड़े होकर खाते हैं, भीड़ लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अपना आज का ब्लॉग हम इतना यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।